हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम्स करीब है, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम आज चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 21 करते हैं और उसमें हम सर्वसमकाओं का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल 21 है, सॉरी एग्जाम्पल ये 21 है। 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz का गुणन खंडन कीजिए। बच्चों, आपने सर्वसमका x + y + z का होल स्क्वायर का फार्मूला सीखा है, उसी फार्म में देखो x² y² z² तो उसी फार्म में हम बदलेंगे। अब यहाँ पर 2x² y² z² चलिए सबसे मेन चीज तो ये था, x + y + z का होल स्क्वायर में सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 में माइनस है। तो बच्चों, आपको ये देखना है कि इसमें दोनों संख्याओं में कौन सा अक्षर कॉमन है। x नहीं है, y दोनों में है, z दोनों में नहीं है, तो जो कॉमन होता है माइनस वहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ y y है तो यहाँ माइनस y आ जाएगा, समझ रहे होंगे। अब ये वो फार्मूला याद कर लो, a² x² + y² + z² + 2x, ये y हो गया, +2y (z) + 2z (2x और सर्वसमका x + y + z का होल स्क्वायर द्वारा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये फार्मूला है। इसके द्वारा ये इसके बराबर होता है, तो इसी तरह ये सारा क्वेश्चन आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ x y z है, यहाँ x y z की जगह पर जो संख्या लिखी है 2x - y + z का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2x - y + z (2x - y + z). ये दो बार है तो दो बार आपको लिखना है। बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि अगर इसमें दो में जगह माइनस है तो दोनों में जो अक्षर कॉमन होगा उसी में माइनस आ जाएगा, बाकी सेरा सारा का सारा, और फिर जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ माइनस में आ जाएगा। z के साथ है तो z में आएगा, x के साथ है तो x में आएगा। बाकी वो फार्मूला फिर अप्लाई करके इसके तीनों का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको दो बार लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण 22, पहला और दूसरा, दो पार्ट है इसमें, ठीक है। पहला क्या है, 3a + 4b का होल क्यूब, और ये है 5p - 3q का होल क्यूब। बच्चों, x + y का होल क्यूब आपको पता है, x + y³ = x³(3x²y + 3xy²)³। ये आपका क्वेश्चन है, फार्मूला है, इसी के द्वारा इसका यूज करेंगे। तो आता ये हमारा बन जाएगा, x की जगह 3 है, या x यहाँ x है, y है यहाँ y है, यहाँ 3 है, तो 3a³ + 3 × 3a² × 4b + 3 × 3a² + 4b³। ये ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले
ये इसके बराबर हो गया होल क्यूब, ये इसका होल क्यूब होगा, थ्री इसका स्क्वायर इंटू इतना, दोबारा प्लस थ्री इंटू इतना इंटू इसका स्क्वायर, और ये हो गया तीन का तीन बार 27 हो जाएगा, चार तीन 12 और तीन तीनों 12 नौ 108 ए स्क्वायर बी, चार चौक 16 नौ 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 16 बी का 3। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, अगर यहाँ ए पे आएगा तो यहाँ बी पे स्क्वायर आएगा, यहाँ क्यूब होगा, बस यही आंसर है। दूसरा करते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री ओ सॉरी वाई का क्यूब द्वारा, ये यही फार्मूला लगा लो तो ये बन जाएगा 5p का क्यूब माइनस 3 इंटू 5p का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 5p इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर माइनस 3 क्यूब का क्यूब, और ये बन जाएगा 125p का क्यूब, तीन तीनों 225 पी स्क्वायर क्यूब प्लस तीन तीन नौ तीन 27 पंचे 135 पी का क्यू का स्क्वायर, ये हो गया 17 क्यू का क्यू, और ये आपका आंसर हो गया। और इधर ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 22, अब तीसरा 23 क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? सर्वसमिका का प्रयोग कर सर्वसमिका के द्वारा पहला है 104 की घात 3, दूसरा है 999 की घात 3 का मान ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पे दो है, दोनों क्वेश्चन को सर्वसमिका के द्वारा हल करना है। सर्वसमिका आपको गुणा नहीं करना है, आपको पता है घात तीन का मतलब इसे तीन बार लिखेंगे, तीन बार गुणा करेंगे, 104 गुणा 104 गुणा 104 क्या आता है, तो इस तरह हमें गुणा नहीं करना है कि 104 गुणा 104 का हम प्रयोग करेंगे, 104 गुणा 104 इस तरह से फिर गुणा 104, इनको गुणा नहीं करना, हमें इसको लिखना है 104 की घात 3 बराबर हो गया 100 जमा 4 इसी घात 3। तो सूत्र x प्लस वाई की घात 3 द्वारा, ये वाला फार्मूला लगा लो तो ये बन जाएगा 100 की घात 3 प्लस 3 इंटू ये 3 इंटू 100 का स्क्वायर गुणे
थ्री इंटू सौ इंटू फोर का स्क्वायर प्लस फोर का क्यूब, ये हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ प्लस ये बारह गुणे एक दो तीन चार, इसको दो बार करेंगे सो तीन सौ गुणे सोलह प्लस चौंसठ, और ये होगा दो दो चार दो छ प्लस बारह दो दो चार प्लस सोलह तीन अड़तालीस प्लस चौंसठ, और इसको आप ऐड कर लो, और ऐड करके आपका क्या बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये दो चार दो छः प्लस बारह चार आठ छः चार, और ये दो दो चार दो छः दो दो चार वन वन टू फोर एट सिक्स फोर, और ये आपका आंसर होगा। ठीक, सेकंड है नाइन नाइन का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा वन थाउजेंड माइनस वन का क्यूब, वन थाउजेंड में से एक लेस कर दो तो नौ सौ निन्यानवे आएगा, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब द्वारा ये वाला फार्मूला लगा दो, यहाँ प्लस का था तो ये हो जाएगा क्या, ए का क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ए प्लस वन का क्यूब, यहाँ माइनस है, और ये बन जाएगा तीन तीन छ तीन नौ, और ये तीन गुणे एक दो तीन चार पाँच छ प्लस तीन हजार माइनस एक, इसको इधर कर लो, एक दो तीन चार पाँच छ तीन हजार है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा तीन दो दो चार दो छः दो दो चार पाँच और एक ये ये और ये एक में जुड़ गया, ये और ये एक में जुड़ गया, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, दस में से एक गया नौ नौ नौ, यहाँ बचेगा दो, तो ये हो गया एक दो तीन चार, अब यहाँ से जीरो आएगा दो जीरो, ठीक है, फिर दस में से तीन गया सात, यहाँ आएगा नौ, नौ निन्यानवे सात सौ, ठीक, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों समझ गए होंगे, अब आगे हम इसका करते हैं, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये सारे प्लस में है, तो आपको पता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये फार्मूला आपको गिवन है, तो ये इसके इक्वल होता है, तो ऐसे इसको हल करो, टू एक्स का होल क्यूब दो का तीन बार करोगे आठ आएगा प्लस ये सत्ताईस है, तीन वाई की घात तीन प्लस इस फॉर्म में तोड़ लो थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स आपका ये है दो एक्स का स्क्वायर थ्री वाई प्लस थ्री दो एक्स इंटू थ्री वाई का स्क्वायर, अब चेक कर लो, ये आगे पीछे से नहीं मतलब, यहाँ आगे यहाँ पीछे से कोई मतलब नहीं, कहीं भी हो प्लस है, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर, या ठीक, तो ये आपका फार्मा x प्लस वाई हो जाता है, या a प्लस बी का होल क्यूब, तीन तीन नौ दो दुना चार नौ चौक छत्तीस, तीन तीन नौ दुना अठारह तीन चौवन, और ये बन जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई का होल क्यूब, और ये दो एक्स प्लस तीन वाई दो एक्स प्लस तीन वाई दो एक्स प्लस तीन वाई, और ये आपका आंसर हो गया।
इसको आप तीन बार लिख सकते हैं, तो प्लस या माइनस कोई भी सवाल इस तरह आएगा। ये हो गया आंसर, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 25 करेंगे। आठ एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 27 जेड का क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड, ये है क्वेश्चन। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले का प्रयोग करना है। आता आठ एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 27 जेड का क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड, तो ये बराबर हो जाएगा 2 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 एक्स इंटू वाई इंटू 3 जेड, ये आपके फार्मूले में बदल गया क्यूब, ये आपका। और जब इस फार्म में आ जाएगा माइनस 3 एक्स वाई जेड तो इसके इक्वल होता, मतलब आगे का जो तीनों नंबर हैं वो एक साथ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा इसका स्क्वायर पहले का, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू 3 जेड माइनस 3 जेड इंटू 2x, ये हो गया। अब एक बार और लिख लो, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, ये होगा y का स्क्वायर, ये होगा 9z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz, ये बच्चों। ये आपका एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन एग्जाम्पल था, इस चैप्टर 2 में उदाहरण नंबर 25 ये था, और इसके आगे सारे एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के ख़त्म हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.5 को करेंगे, और इसमें हम